आरक्षण को लेकर के दलित समाज में आंदोलन है। बसपा ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल और आंदोलन का आह्वान भी किया है। बसपा कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि किस मुद्दे को लेकर के और क्यों कल की बंदी है। हमारे साथ हैं जिला अध्यक्ष ऋषि कपूर जी। जी सर, क्या मामला है कल का? कल भारत बंद का जो पहले से आयोजन किया गया है उसी के समर्थन में हम लोग तैयारियां अपनी कर रहे हैं। चूँकि 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया, जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है उसके वर्गीकरण को लेकर के, मतलब क्या वर्गीकरण किस तरह का, जो मतलब एक बार लाभ ले लिया है उसको फिर नहीं मिलेगा? जी, एक बार जो लाभ ले लिया उसको फिर उसका लाभ, उसके परिवार को भी उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। जबकि यह आदेश जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया है, पहली चीज़ है कि इस आदेश को उनको लागू करने का कोई अधिकार नहीं है। चूँकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में जो आरक्षण की उन्होंने व्यवस्था की है उसमें कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर दोनों सदनों में ही उसको पास करा करके किसी भी अनुच्छेद को हम परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का पूरा अधिकार अपने हाथ में लेकर के और इस आरक्षण को पार्लियामेंट से हटा करके उसने सीधे स्टेट गवर्नमेंट को इसका पावर देने का काम किया है कि अब आरक्षण प्रदेश में जो राज्य सरकारें हैं वो लागू करने का काम करेंगे, जो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। और उसी आदेश के विरोध में पूरे देश में भारत बंद का आयोजन कल 21 अगस्त को किया गया है, जिसका समर्थन हम लोगों की नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी ने करने का काम किया है। और आदरणीय बहन जी के निर्देश पे कल हम लोग पूरे देश में इस भारत बंद आंदोलन का हम समर्थन करेंगे और शांति प्रिय तरीके से संवैधानिक दायरे में रह करके अपनी भीड़ इकट्ठा करके और सरकार को सुप्रीम कोर्ट का एहसास कराने का काम करेंगे कि जो दलित समाज है वो कभी भी इस तरह के अन्याय को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और जब उसके ऊपर जुर्म किया जाएगा, जब भी जाप्ती की जाएगी, वो सरकार हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, तो उसके विरोध में संवैधानिक तरीके से हम लोग बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके कारवां को आगे बढ़ाने के लिए माननीय श्री कांशीराम साहब ने जो बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन सुश्री मायावती ने तैयार किया है, इस बहुजन समाज पार्टी के झंडे के नीचे हम लोग खड़े होकर के अपने अधिकारों की लड़ाई, अधिकारों को लेने का काम। बाबा साहब ने 10 साल के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहा था, ये तो लगातार बढ़ता जा रहा है। बाबा साहब ने जो 10 साल के लिए आरक्षण की व्यवस्था की बात कही, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि 10 साल में आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। बाबा साहब ने कहा था कि 10 साल में आरक्षण का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा कि जो 10 साल के अंदर आरक्षण हमें दिया गया है उस आरक्षण को कितना लागू किया जा चुका है। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद आज लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक जो आरक्षण बाबा साहब ने हमें दिया था उसका लाभ अभी भी हमें 5% से अधिक नहीं मिल पाया है। नहीं, जैसे एक बार जो आरक्षण का लाभ लेकर के, जैसे एक IPS थे ब्रिजलाल जी, उन्होंने आरक्षण का लाभ लिया, तो क्या उनके परिवार को मिलना जायज है? आरक्षण पहली बात कोई गरीबी मिटाओ उन्मूलन कार्यक्रम कोई कार्यक्रम नहीं है कि जो एक बार नौकरी पा गया या कोई बिजनेस कर लिया उसके पास पैसा आ गया या जो एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया उसको दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण लागू किया गया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए आरक्षण की व्यवस्था की थी। ब्रिजलाल जी IPS रहे हैं, लेकिन क्या उनकी जाति बदल गई जब तक वो IPS थे? उसके बाद भी कहने का मतलब है जो गरीब दलित समाज है, जो बहुत गरीब है, उसको मिलना चाहिए, उसको अवसर मिलना चाहिए कि जो लोग बार बार पा रहे हैं उसमें को मिलना चाहिए, मतलब कहने का मतलब है। जैसे मैं वही बात मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि किसी को लाभ मिल गया हो अलग बात है, नौकरियों में उसको लाभ मिला है किसी तरह का, ये मैंने पहले भी कहा, ये गरीबी मिटाओ उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, ये समाज में बराबरी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो सबसे निचले पायदान में व्यक्ति है उसका उत्थान कैसे होगा? आरक्षण को पूरा लागू कर दिया जाए उसका उत्थान हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मैं जोखू राजभर। क्या कहना चाहेंगे सर? सर यही कहना है कि आदरणीय बहन जी का जो हम लोगों को आदेश निर्देश है उसको कल के लिए जो भारत आंदोलन का उसमें हम लोग, क्या नाम है? ओम नारायण पांडे। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो बहन जी का जो निर्णय है जनहित, हाँ जनहित में है और यह संविधान के अनुसार है और बाबा साहब के संविधान को ये सरकार जो है वह समझ लीजिएगा कि अपने तौर तरीके से अपने हित के लिए लागू करना चाहती है और हम लोग शांतिमय तरीके से बाबा साहब के असूलों पर चलते हैं। आपको लगता है कि जो चुनाव के समय आरक्षण और संविधान खतरे में बात कही गई थी कुछ उस तरह से कुछ दिख रहा है सामने? उसको तो लग रहा है, अब कैसे
ये तो समझ ये सीधे सीधे तौर पर ये दिखाई दे रहा है और यही है समल जी की स्टेट गवर्नमेंट को दे करके और उसकी तीन कैटेगरी बनाई गई है मान्यवर तीन कैटेगरी में जैसे कि हम पिछड़ा वर्ग का नाम तो नहीं ले रहे हैं लेकिन उसमें नौ है आज इसमें भी तीन कैटेगरी बना के साथ साथ की और दलित अति दलित और महादलित ये तीन कैटेगरी बना करके साथ साथ में बांट दिया गया नहीं एक में आठ है बाकी दो में साथ साथ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए अभी दलितों का उत्थान कतई नहीं हुआ मेरे भाई साहब कभी जितना समझ लीजिए माननीय अध्यक्ष जी ने कहा वो सही कहा है जब पूरा हो जाएगा तो अपने आप जो बाबा साहब ने कहा है हो जाएगा पूरा होगा किस तरह से पूरा होगा उसका समझ लीजिएगा कि उसका कोटा पूरा करें दलितों की जो नौकरी की स्थिति है आज समझ लीजिए न्यायालय में जाइए तो 99% तो और लोग हैं कहाँ हमारा दलित समुदाय है आरक्षण मतलब आरक्षण जब अवसर ही कम आ रहे हैं तो 99 के लिए है और दलितों के लिए नहीं है अवसर 99 के लिए वही है जो सामान्य संवर्ग के होते हैं मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि दलितों को भी स्वस्थान पर उतना मौका दिया जाए क्या नाम है आपका परमेश्वर कुमार क्या कहना चाहेंगे आप आरक्षण वाले मुद्दे को लेकर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो भी किया है बिल्कुल गलत चीज़ें हैं और इस चीज़ को लेकर के हम लोग बहुजन समाज के लोग हैं सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा ना कि जो एक बार लाभ ले लिया उस पर विचार किया जाए और जो नहीं कभी लाभ पाया है जो बहुत निचले पायदान पर है उस पर सरकार विचार करे उनको अवसर दे नहीं ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कहा ये सही नहीं है कि एक बार जो पा गया वो नहीं पा सकता अगर इस आधार से आप देखना चाहते हैं तो सभी जातियों में देख लिया जाएगा लेकिन माननीय बाबा साहब का जो संविधान है इस संविधान को पूर्ण तरीके से आज तक जितनी भी सरकारें बनी सही तरीके से लागू नहीं किया है हमारे लोग आज भी बराबर के दर्जा में नहीं जैसे आपको ये लगता है मासगांव लोकसभा सुरक्षित सीट है जी तो महावीर प्रसाद कई बार सांसद रहे कमलेश पासवान का परिवार चौथी बार पांचवी बार हो रहा है सांसद तो क्या उसी परिवार को अवसर मिलना चाहिए किसी नए दलित को भी अवसर मिलना चाहिए नहीं तो दलित में तो वो भी आते हैं तो लेकिन तो ले हैं। नहीं दलित पांच बार लाभ ले मैं बताना चाहता हूँ वो दलित में आते हैं लेकिन वैसे दल में रहते हैं कि वो काट के उल्लू बने हुए हैं वो अपनी बात को दलितों के लिए जो है लागू नहीं करा सकते हैं वो बधे हुए हैं खुल करके अपनी बात अपने समाज के लोगों का कल्याण उस दल में रह करके नहीं कर सकते हैं वो काट के उल्लू हैं इसलिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो है बहुजन समाज के लिए अपना जीवन समर्पित किया है इसलिए उनके आह्वान पर 21 तारीख को हम लोग सुबह